बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में टॉपिक 170 मिस हो गया था, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 35 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी जल्द से जल्द हो जाए तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को, शॉर्ट वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, उसको कम्प्लीट लर्न कीजिएगा, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, टॉपिक 170 हमारा है डाइवर्जेंट डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंग्लिश, के मॉडर्न इंग्लिश की डाइवर्जेंट डेवलपमेंट क्या थी। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फोनोलॉजी। डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश कैन डिफर फोनोलॉजिकली इन थ्री मेन वेज़। के इंग्लिश की डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो फिनोलॉजी के हिसाब से तीन तरीक़ों से डिफ़र करती हैं, मुख्तलिफ हैं। फर्स्ट, देयर फोनोलॉजिकल सिस्टम्स कैन डिफर। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इन्वेंट्री ऑफ फिनोम्स मे बी डिफरेंट, के जो फिनोम्स हैं उनकी इन्वेंशन ही डिफरेंट होती है। सेकेंडली, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वो थ्री वेज कौन से हैं, तो आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बताना है। सेकेंडली, द रियलाइजेशन ऑफ द सेम फिनोम कैन बी डिफरेंट, के एक्चुअली में वो कुछ और होता है और उसको रियलाइजेशन में कुछ और रखा जाता है। दैट इज़ बी प्रोनंस्ड डिफरेंटली, कि वो वर्ड कुछ और होता है लेकिन उसे बोला कुछ और जाता है, उसका तलफ़ प्रोनंसिएशन डिफरेंट कर दी जाती है। थर्डली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोम्स कैन डिफर, अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट फिनोम्स मे बी सेलेक्टेड फॉर द प्रोनंसिएशन ऑफ अ गिवन वर्ड। आल्सो देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, के इसमें भी डिफरेंस हो सकता है। डेफिनेटली एक ही वर्ड को आप कई डिफरेंट तलफ़ के साथ पढ़ सकते हैं, उसको उसके प्रोनंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज करें, किसी वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दे दें, किसी पर काम कर दें, उस तरह ही उसकी डिफरेंट प्रोनंसिएशंस बन जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फोनोलॉजी, आउटर सर्कल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। आउटर सर्कल वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश ऑफन डिफर कंसिडरेबली इन फोनोलॉजिकल सिस्टम फ्रॉम RP एंड जनरल अमेरिकन। The number of phonemes is often much reduced in many varieties of English in the outer circle. There is no difference between long and short vowels. Okay, इसके example आप ये देख लें, ये आपको हो सकता है काम आ जाए। In one common form of Nigerian English, for example, there is only one phoneme corresponding to RP. हाँ जी, इसमें अब आई एंड आई के फिनोम आप देख लें। सो दैट बीड बीड आर बोथ बीड, ओनली वन करेस्पोंडिंग टू ए एंड ए। सो दैट हैट एंड हर्ट आर बोथ हैट, ठीक, ओनली वन करेस्पोंडिंग। आप ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको देख लीजिएगा, आप एक से दो ही काफ़ी हो जाएंगे, स्टॉक और स्टॉक हो गया। तो हम इसको थोड़ा खैर छुपके के पढ़ेंगे तो और प्रोनंसिएशन देगा, एक्चुअल में इसका और होता है, क्योंकि हमारे तलफ़ से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रामर, देर आर ओनली माइनर ग्रामेटिकल डिफरेंसेज बिटवीन द मेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश। ग्रामर में भी डिफरेंस है लेकिन ये माइनर है, प्रोनंसिएशन में ज़्यादा है, जो फिनोलॉजी उसमें ज़्यादा है। उसके बाद वोकैबलरी आ गया, तो इट इज़ परहेप्स इन वोकैबलरी दैट वी सी द ग्रेटेस्ट डाइवर्जेंसिस बिटवीन द डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, के शायद जो इसकी वोकैबलरी है उसमें भी ग्रेट डाइवर्जेंस है। हाउएवर, इट इज़ एक्सपेंडिंग अक्रॉस द वास्ट नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट विद न्यू फ्लोरा एंड फौना एंड डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ फ्रॉम दोज ऑफ यूरोप, बिल्डिंग अप आ न्यू सोसाइटीज़, बिल्डिंग अप न्यू वोकैबलरी, के जिस तरह से न्यू सोसाइटीज़ बिल्ड करती हैं उसी तरह से न्यू वोकैबलरीज भी बिल्ड करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा लेसन नंबर 35 है, इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश का इंट्रोडक्शन है इस लेक्चर में, टॉपिक 171, इंग्लिश इन अमेरिका एंड इट्स फीचर्स, के अमेरिका की जो इंग्लिश है जिसे हम कहेंगे अमेरिकन इंग्लिश, वो क्या है, कैसी है और उसके फीचर्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाएँ, अमेरिकन इंग्लिश समटाइम्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश और US इंग्लिश और AME, AE, AM, ENG, US इंग्लिश, EN US इज द सेट ऑफ वराइटीज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अमेरिकन इंग्लिश के इतने सारे नाम हैं, इनको देख लीजिएगा आप, इनके MCQs में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा स्पोक करने वाली लैंग्वेज इंग्लिश ही है। द कॉमन लैंग्वेज यूज बाय द फेडरल गवर्नमेंट
ये फेडरल गवर्नमेंट में भी इसको कॉमन यूज़ करती है यूनाइटेड स्टेट में, एंड कंसीडर्स द डी फैक्टो लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, और कंट्री की भी आप कह लो डी फैक्टो क्या, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। इट हैज़ बीन गिवन ऑफिशियल स्टेटस बाय 32 ऑफ द 50 स्टेट गवर्नमेंट्स, कि 50 स्टेट गवर्नमेंट्स में से 32 की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन्स। द फर्स्ट वेव ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग सेटलर्स अराइव्ड इन नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, फॉर फर्दर माइग्रेशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। सिंस देन अमेरिकन इंग्लिश हैज़ डिवेल्प्ड इंटू न्यू डायलैक्टिक्स इन सम केसेस अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेस्ट अफ्रीकन एंड नेटिव अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन, डच, आयरिश, स्पेनिश एंड अदर लैंग्वेज ऑफ इमिग्रेंट्स, के ये सारी लैंग्वेज भी इसमें कुछ ना कुछ इमिग्रेंट करती हैं। एनी अमेरिकन और इवन कैनेडियन इंग्लिश असेंट परसीव्ड एज फ्री ऑफ नोटिसेबली लोकल एथनिक और कल्चरल मार्कर्स इस पॉपुलरली कॉल जनरल अमेरिकन इंग्लिश, कि ये इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर है जिसे हम जनरल अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। सोशियोलिंग्विस्ट विलियम लेबोव डिस्क्राइब इट एज अ फेयरली यूनिफॉर्म ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड इन द मैस मीडिया, कि इसने इसको क्या कहा है, एज अ फेयरली यूनिफॉर्म ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड इन द मैस मीडिया। अदरवाइज हाउएवर हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट लिंग्विस्टिक एविडेंस डज नॉट सपोर्ट द नोटिस और नोशन ऑफ देयर बीइंग अ मेन स्ट्रीम स्टैंडर्ड इंग्लिश ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू लेबोव, विद द मेजर एक्सेप्शन ऑफ सदर्न अमेरिकन इंग्लिश रीजनल एसेंट्स थ्रू आउट द कंट्री आर नॉट यील्डिंग टू दिस ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड, ऑन द कंट्रेरी द साउंड ऑफ अमेरिकन इंग्लिश कंटिन्यूज टू इवॉल्व with some local accents disappearing but several larger regional accents emerging. Compared with English as spoken in England, North American English is more homogeneous, also it has remained relatively more conservative. नॉर्थ, अब ये सारी एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं भी लिख सकते तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप मतलब कम से कम इतने पॉइंट्स कर लें कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। याद रखें इस दफ़ा 2021 के पेपर में आपके अप्रॉक्सीमेटली जो ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी 5 मार्क्स का होगा, और VU के हिसाब से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं होता। आप अगर थोड़ा सा भी ऑथेंटिक मटेरियल लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। Several thousands are now used in English as spoken internationally. Thus, the process of coining new lexical items started as soon as the colonists began borrowing names for unfamiliar flora, fauna and topography from the Native American language. Okay, जी, next topic है हमारा 172, American dialects, linguistic variety and uniformity in America. इसमें हम इसके cultural ethnic जो American English varieties बताएंगे। एक्चुअली में ये पिछले ही lesson को आगे continue कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाक्यूला, इसको एबोनिक्स कहेंगे हम, उसके बाद क्वाजुन वर्नाक्यूलर, हवाइन पिजिन एंड लैटिनो वर्नाक्यूलर इंग्लिशेज। इसके बाद कल्चरल और एंड एथनिक अमेरिकन इंग्लिश वराइटीज़ में आ जाएं तो इसकी हैं, अभी कल्चरल है इसकी है जी, चिकेनो इंग्लिश, मियामी इंग्लिश, पेनिसलाविया स्लेवेनिया डच इंग्लिश, ये शिव इंग्लिश। उसके बाद रीजनल लोकल की बात करें तो ईस्टर्न न्यू इंग्लैंड है, उसके बाद बोस्टन है, रोड आइलैंड है, साउथ ईस्ट सुपर रीजन है और मिड अटलांटिक है। आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत गौर से पढ़ा करें, VU में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। उसके बाद टॉपिक 175 है, अमेरिकन इंग्लिश वोकैबुलरी है। देयर नेवर हैव बीन एनी मेजर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश एज सच, के इसके वोकैबुलरी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। मोर ओवर द लास्ट 100 ईयर्स और सो हैव सीन एन इंक्रीजिंग सिमिलरिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, पिछले 100 सालों में इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी बढ़ गई है या इंक्रीज़ हो रही है। इसके रीजंस क्या हैं, क्यों सिमिलरिटी इंक्रीज़ हुई है, तो दो रीजंस इसके मेजर हैं।
नंबर वन पार्टली ड्यू टू एवर इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स के इसका कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव होता जाता है. उसके बाद नंबर टू पार्टली ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर नॉट एबली थ्रू टेलीविजन एंड फिल्म कि अमेरिकन कल्चर ही इतना इम्पैक्ट करता है कि वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश जो है ना वो सेम होती जा रही है. उसके बाद नेक्स्ट लेसन नंबर 36 अमेरिकन विज ब्रिटिश इंग्लिश अ कंपैरिजन. अब शुरू में हमने सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश को बताया और साथ में बताया कि अमेरिकन इंग्लिश काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर है ब्रिटिश इंग्लिश से. अब हम इसको कंपेयर करके बताएंगे तो अमेरिकन इंग्लिश AME हम इसको कहेंगे और ब्रिटिश इंग्लिश को BRE बोलेंगे. तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है इसमें ये टॉपिक 178 हमने बताना है. ओके यही डिफरेंस काफ़ी हो जाएगा और सिंटैक्टिक डिफरेंस अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ये दो ही लिख सकते हैं. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपने इसमें से टॉपिक जो है वो मिस कर दिए हैं. तो एक्चुअली मैं वो आपकी आसानी के लिए है कि आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें. अगर आपने स्टार्ट से नहीं भी पढ़ा या तैयारी नहीं अच्छी की तो एट द एंड आप इन शॉर्ट लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. तो दिस डाइवर्जेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश हैज़ प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ह्यूमोरियस कमेंट. फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज बर्नार्ड शॉज करेक्टर सेज दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम्स आर टू कंट्रीज डिवाइडेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज. कि ये एक बहुत राइटर था बहुत बड़ा उसने कहा उसके करेक्टर ने कि ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम्स जो हैं दो कंट्रीज़ हैं जिनको एक कॉमन लैंग्वेज से डिवाइड कर दिया गया. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स हाउ दे आर फॉर्म्ड इन देयर रिलेशनशिप्स टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज. इट एनालाइजेस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड्स सच एज स्टेम्स रूट्स वर्ड्स प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. एट द मॉर्फोलॉजिकल लेवल डिफरेंसेस इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश एग्जिस्ट. के एक्चुअली में मॉर्फोलॉजिकल लेवल को देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस पाया जाता है. अब सिंटैक्टिक डिफरेंस की बात करें तो अमेरिकन स्टाइल इज मोर टॉलरेंट ऑफ लेंथी नाउन स्ट्रिंग मोडिफायर्स. इसमें हमने ये डिपार्टमेंट्स की बात करनी है. डिपार्टमेंट स्पोकन वोमेन डॉला जॉर्डन डेथ पेनल्टी ओपोनेंट हेलन परजीन एंड सेलेब्रिटी कैपिटल पनिशमेंट ओपोनेंट सुसान सरडन. यानी कि इसमें डिफरेंस मौजूद है. उसके बाद नेक्स्ट लेसन नंबर 37 ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश. अब जिस तरह से अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश है उसी तरह से हम ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को भी डिस्कस करेंगे. ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक 181 हम करेंगे स्पीकर्स एंड डेमोग्राफिक्स. ऑस्ट्रेलिया इसे हम ओसिया या ओजिया बोलते हैं. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ यंग नेशन. द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स ओनली 1901 एंड ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी वाज लेटर एस्टैब्लिश फॉर अ न्यू कैपिटल कैनबेरा. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ओसिया ओजिया बिकेम एन इनफॉर्मल शॉर्ट फॉर्म फॉर बोथ द नाउन ऑस्ट्रेलियन एंड एडजेक्टिव. As in OSIA rules for a code of football which oriented in Australia. These days there is also an informal name for Australia, Australia. For obvious reasons the joking expression down under used to refer to Australia is interpreted by many Australians and New Zealanders as showing a snobbish northern hemisphere perspective. Although English has been spoken in Australia for more than 200 years, Australian English began to seriously recognized as a distinct varieties of English only after the Second World War. के approximately 200 years से ही ये English जो है वहाँ spoke की जाती है लेकिन Second World War के बाद जो है वो ज़्यादा use होने लगी distinct होने लगी. नेक्स्ट टॉपिक 182 ऑस्ट्रेलिया द फर्स्ट फ्लीट इन द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड इन 1851 एक्सेलरेटेड इमिग्रेशन. सो आफ्टर 10 ईयर लेटर द ऑस्ट्रेलियन सेटलर पॉपुलेशन हैड रीच्ड ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन आर थ्री फोल्ड इंक्रीज्ड इन 10 ईयर्स. के तकरीबन 10 साल में इतनी जो है ना वो 1.2 मिलियन उसकी जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज होगी. द गोल्ड रश आल्सो ब्रॉट टू एन एंड and the transportation of convicts since the gold seemed to provide
an opportunity for reward rather than punishment. From this time, the pattern of immigration gradually changed in the Australia, became increasingly population by people of different nationalities, but the first large-scale non-British or Irish immigration did not occur until after the Second World War. इसके बाद टॉपिक 183, what becomes Australian English? Australia is a young nation, but its aboriginal population has been living here for thousands of years. नेशन ज़रूर ये यंग है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो हज़ारों सालों से वहीं रह रही है. तो इफ़ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज इन ऑस्ट्रेलिया करंटली थॉट टू इन द मोर कंजर्वेटिव एस्टिमेट टू स्पेन अबाउट 40,000 ईयर्स इज रिड्यूस्ड इन इमिग्रेशन इमेजिनेशन टू अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स. अ शेयर ऑफ इंग्लिश ऑन द सेम स्केल इज़ अबाउट 7 मिनट्स. Archaeological evidence suggests that the first aborigines migrated from Southeast Asia to Australia. के अब वो आपको बता रहे हैं कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें इसकी लैंग्वेज की, तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो है ना इतनी कंजर्वेटिव है जितनी तकरीबन हम इमेजिन करें तो आज से 40,000 ईयर्स पहले की. और ये पीरियड जो है ना वो कह लो के 24 आवर्स में कह लो के चेंज होता रहता है. फ्यू मिनट्स में इसमें तब्दीलियाँ आती. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट द फर्स्ट एबोरिजिन्स माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया टू ऑस्ट्रेलिया. अमंग देम द इंडिजीनियस पीपल डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म नेम बट एक्सेप्ट द टर्म बोरिजियंस ड्राइव फ्रॉम लैटिन एबोरिजियन मीनिंग फ्रॉम द बिगनिंग के स्टार्ट से. अच्छा, आप ये भी याद रखना है कि एबोरिजियन जो है एबोरिजियंस वो लैटिन वर्ड एबोरिजियन से निकला है जिसका मीनिंग है फ्रॉम द बिगनिंग. द फर्स्ट एबोरिजिनल लोन वर्ड इज इन इंग्लिश वाज अप्रॉक्सीमेटली कैंगरो टूडेज नेशनल सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इट वाज रिकॉर्डेड बाय द नेचुरलिस्ट जोसेफ बैंक्स इन 1770. कैप्टन कुक इन हिज डायरी has mentioned a strange hopping animal which according to him was called the native kangaroo or kangaroo. कि ये जो है इनका national symbol है और इसके बारे में ये कैप्टन कुक ने अपनी बुक में भी लिखा था. In the language that the first expedition encountered kangaroo was the name for one particular species of kangaroo, not a generic name. अच्छा जी, उसके बाद मोस्ट एबोरिजिनल लोन वर्ड्स रेफर टू ऑस्ट्रेलियन फौना एंड फ्लोरा सच एज द स्मॉल येलो ग्रीन पैरट बजेरियर द वाइल्ड डॉग डेंगू एंड द एबोरियल मार्सुपियल. इफ यू आर ट्रेवलिंग इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ फैसिनेटिंग टू रीड रोड साइंस दैट आर मिक्सचर ऑफ एंग्लो सैक्सन नेम्स लाइक लिवरपूल and news new coastal and aboriginal names like wagga wagga and indoro pili. yani agar aap australia jaye to aapko unke roads pe aur is tarah ke animals ke symbols aur ye sari cheeze zarur nazar aayengi. the white settlement in australia was disastrous for both the indigenous population and their language. today the aborigines number less than 4 lakh, many of them speaking English only. Among the surviving Australian Aboriginal languages, about 50 are in active first language use. Mostly the places remote from major population counters. के जो places जहाँ पर मतलब कह लो कि जिसे हम कह सकते हैं देहाती areas वगैरह, वहाँ पर भी इनकी ये previous language को बोला जाता है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया है. इट इज़ फियर दैट इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेज डाई आउट, के ज़्यादा लंबा अर्सा नहीं ये रहेंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी. इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका देयर इज़ लिटल रीजनल वेरिएशन इन दी लैंग्वेज बट सोशल एंड एथनिक वेरिएशन एग्जिस्ट. के लैंग्वेज में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके जो सोशल और एथनिक वराइटीज़ हैं उसमें चेंज है. सम स्पीकर्स यूज अ ब्रॉडर एसेंट दैट इज़ वन दैट इज़ रिमोटर फ्रॉम RP एंड यूज मॉरल लोकल ऑस्ट्रेलियन वर्ड्स इन देयर वोकैबलरी बट सिमिलर वेरिएशंस आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री.
ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक 184, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश टुडे। अच्छा, पहले तो हमने ये पढ़ा कि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश जो है ना, वो एक्चुअली में क्या है कि वो पहले जो लोग थे उन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बनाई हुई थी और वो उसी को यूज़ करते थे, लेकिन अब वो लोग, उनकी तादाद कम होती जा रही है और इंग्लिश बोलने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो आज की ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश क्या है? द करेक्टरिस्टिक साउंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्पीच इज फाउंड स्पेशली इन इट्स वोवल। Here are a few differences between broader Australian English and standardized British pronunciation RP. In words such as say, in Australian English, the diphthongs is a whiter sound pronounced close to O, where RP is E. In words such as now, where RP has O, the diphthong approximates to O or even O. RP vowels and U are often pronounced as diphthongs. अब यही pronunciation में ही difference है इसका, तो आप यहाँ पर एक से दो examples दे लें या दो से तीन दे लें, बस उतने ही काफ़ी हैं आपके लिए, उनको एक दफ़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके जी, हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 38, साउथ एशियन इंग्लिश, एंड इट्स टॉपिक इज 186, इंट्रोडक्शन टू साउथ एशियन इंग्लिश। अब पीछे तक हमने जो है ना वो अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को पढ़ा, तो लेसन नंबर 38 में से हम जो है ना साउथ एशियन इंग्लिश को पढ़ेंगे। इसके इंट्रो में द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज़ एन अनप्रीसेंडेंटेड फिनोमिनॉन फॉर विच वी डू नॉट फाइंड एनी एग्जाम्पल इन ह्यूमन हिस्ट्री। इंग्लिश वॉज ब्रॉट टू द सब कंटिनेंट इन द अर्ली 17th सेंचुरी। के वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ह्यूमन हिस्ट्री के एग्जांपल ली जाए तो डिफरेंट लैंग्वेज जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। अगर हम सब कंटिनेंट की बात करें, हमारे ये बर्रेआज़म बरसगीर की बात करें, तो यहाँ पे 17th सेंचुरी के स्टार्ट में जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको, इंग्लिश को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया था। टुडे इट इज़ स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज बाय 3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, के ये अब सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इन न्यूमेरिकल टर्म्स वी कैन सेफली से दैट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 33 million इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, के इतने मिलियन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं इस एरिया में। साउथ एशियन इंग्लिश इज समटाइम्स कॉल्ड इंडियन इंग्लिश एज ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द रीजन, बट टू डे द वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश आर यूज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट मॉडर्न स्टेट्स। के इस इंग्लिश को समटाइम हम इंडियन इंग्लिश भी कहते हैं। इन इंडिया देर आर 25 million यूजर्स ऑफ इंग्लिश, इवन मोर देन ऑस्ट्रेलिया, के ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा लोग इंडिया में इंग्लिश स्पीक करते हैं। देर आर इंट्रानेशनल एंड इंट्रा रीजनल रोल ऑफ लिंक लैंग्वेज अमंग पीपल ऑफ डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया स्टिल यूज इंग्लिश टू वेरिंग डिग्रीज इन द डोमेन्स ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड मिलिट्री, हायर एजुकेशन, कॉमर्स एंड मीडिया एंड द आर्ट्स। के आज़ादी के इतने सालों बाद भी इन सारे डिपार्टमेंट्स में अभी तक इंग्लिश यूज़ हो रही है। इन पाकिस्तान इंग्लिश हैज़ अ स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज अलोंग साइड द नेशनल लैंग्वेज उर्दू, के नेशनल लैंग्वेज उर्दू के साथ साथ तो इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज दर्जा दिया गया है पाकिस्तान में। इन श्रीलंका देयर आर एफर्ट्स टू पीपलाइज द इंग्लिश। इन बांग्लादेश डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग बंगला मूवमेंट इंग्लिश इंजॉयज इंपॉर्टेंस, के इतनी स्ट्रॉन्ग इस मूवमेंट के बावजूद भी इंग्लिश को अहमियत दी गई है। इन साउथ एशियन कंट्रीज इट प्लेज अ रोल ऑफ द इंटरनेशनल मीडियम फॉर कम्युनिकेशन विद द ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ नेशंस, के इसमें यानी साउथ एशियन कंट्रीज में इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 187, फीचर्स ऑफ साउथ एशियन इंग्लिश, साउथ एशियन इंग्लिश के अहम फीचर्स क्या हैं। तो इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड टू साउथ एशिया इन द अर्ली 17th सेंचुरी, जैसा अभी हमने जिक्र किया कि 17th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए थे सब कंटिनेंट में, तो तब इंग्लिश इस तरफ इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड वाज री इन्फोर्स्ड बाय द लॉन्ग रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और जब तक उनका रूल रहा तो तब तक जो है ना इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। टुडे इट इज़ स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज बाय अबाउट 33 पीपल, 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 33 million people।
Today, the varieties of South Asian English are divided according to the modern states. इसमें Bangladesh English है, Indian English है, Nepali English है, Pakistan English and Sri Lankan English है. Although it is fairly homogeneous across the region, sharing linguistic feature and tendencies. के अगर शाह के ये region के हिसाब से थोड़ा सा different होता है, इसमें linguistic features and tendencies आ जाती हैं at virtually all linguistic levels. There are also differences based on various factors. के Indian English जो है ना उसके बारे में पढ़ेंगे हम पहले. It has words of Indian vernaculars that have made their way into the English language. अब इसके examples हैं include jungle, tank, bungalow, shampoo, varnadesh, veranda and it has political, sociological and administrative terms of modern India, dharna, hortel, evetizing, vote bank, swadeshi, tiffin, hill station, gymkhana. We need to notice its resemblance with Pakistani English. इसकी वोकैबुलरी की बात करें तो आवर कंपनी लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग एंड नॉलेज अपग्रेडेशन. द प्राइम मिनिस्टर ग्रीटेड द प्रेस पर्संस विद अ नमस्कार एंड अ ब्रॉड स्माइल. अब ये इसके वोकैबुलरी के एग्जांपल्स हैं. उसके बाद स्पेलिंग एंड प्रोनंसिएशन की बात करें तो हम इसमें बताएंगे मोस्ट इंडियन लैंग्वेज अनलाइक इंग्लिश हैव अ नियरली फोनेटिक स्पेलिंग, सो द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इज़ अ हाईली रिलायबल गाइड टू इट्स प्रोनंसिएशन. द वर्ड ऑफ इज यूजली प्रोनंस्ड विद अ इंस्टेड ऑफ अ वी एज इन मोस्ट अदर एसेंट्स. प्रोनंसिएशन ऑफ हाउस एज हाउस इज प्रिवेलेंट फॉर बोथ नाउन एंड वर्ब इंस्टेड ऑफ हाउस एज नाउन एंड हाउस एज वर्ब. अभी इसके प्रोनंसिएशन में डिफरेंस आप देख सकते हैं. उसके बाद साउथ एशियन इंग्लिश इम्पेरियलिस्टिक लेगेसी एंड रीजनल एसेट. टॉपिक 188 इन लैंग्वेज ऑफ इम्पेरियलिज्म इन साउथ एशिया हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री. इन सेकेंड मिलेनियम BCE स्पीकर्स ऑफ ओल्ड इंडो आर्यन केम इन टू साउथ एशिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड स्प्रेड साउथ वर्ड एंड ईस्ट वर्ड पार्टी बाय पीसफुल सेटलमेंट बट लार्जली बाय फोर्स ऑफ आर्म्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स. के कई साल पहले की बात है जब इन एरियाज़ के लोग जो है ना वो ज़्यादातर आर्यंस थे. द इन्वेडर्स एंड हैड स्प्रेड अक्रॉस द इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ पाकिस्तान. अब जो हमलावर लोग थे जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर हमला किया. रीच्ड मॉडर्न बिहार एंड बंगाल और बिहार एंड बंगाल तक पहुंच गए और इवन माइग्रेटेड टू श्रीलंका. द यूज़ ऑफ देयर लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत हैज़ परसिस्टेड इन साउथ एशिया टू द प्रेजेंट डे. के साउथ एशिया में अभी तक वो लैंग्वेज यूज़ हो रही है संस्कृत. इन द फॉर्म ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स द मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज. इंडो आर्यन इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ लार्ज proportion of the population of every country in South Asia, but Sanskrit itself as a superposed language in the clearest linguistic legacy from this early imperialism in the area. Sanskrit is related to Hinduism in special ways. Persian similarly has been associated with Islam, and the coming of Islam to South Asia is generally dated to 711 CE when an Arab naval force entered what is now Pakistan from the Arabian Sea and conquered the Indus Valley. Ke jab jo hai na wo Muhammad bin Qasim aaya tha tab ki baat ho rahi hai ye. This incursion probably did not introduce the use of Persian, however that came with the raids of Mahmud of Ghazni in the 11th century. Although at one point Mahmud officially reintroduced Arabic as a language of the laws and administration, it was Persian, the second great Islamic language, that was the principal language of his empire, centered the Lahore. In Lahore, Persian conquered to be the chief court language
of successive Muslim kingdoms, sultanates and empires down to the Mughal Empire centered in Delhi, which yielded to the power of Great Britain. In all these politics, Persian was a major and often the dominant language. Limited use of Persian have persisted in South Asia until the present time. के उस उन टाइमों में मुस्लिम्स के दौर में पर्शियन को जो है ना वो बहुत अहमियत दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में इसका यूज़ है बट कुछ लिमिटेड है साउथ एशिया कंट्रीज में. उसके बाद जो टॉपिक 189 है, सेंटेक्स ऑफ साउथ एशियन इंग्लिश. साउथ एशियन इंग्लिश का सेंटेक्स क्या है? तो इन रीसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नो नेटिव वराइटीज ऑफ इंग्लिश सच एज साउथ एशियन इंग्लिश. एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ IVEs कवर ओनली small areas of lexical, morphological and phonological structures with even less attention paid to syntax. Although these sentences are not necessarily ungrammatical in other varieties of English, they would probably be considered unidiomatic. Uniidiomatic. Iske kuch examples hain. So, since her birth she has been under the hands of men. Subservient to, and women in this country have come very forward. See and look. If we see only the direction of art and literature, now look the differences between house for home. Women came out of the house for studying. Legs for feet. She can stand on her own legs and face the society. Okay, dear students, in our next video, I will share lesson number 39 and 40. So, please subscribe to my channel and share with others. Thanks.